साथियों नमस्कार। साथियों यू डाइस प्लस 2023-24 डाटा एंट्री का प्रोसेस जारी है। साथियों जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, साथियों यहां पे जो है हमने स्कूल डिटेल ग्रेड वाइज 2023-24 स्कूल डैशबोर्ड का पेज ओपन किया है। साथियों साथियों यहां पे जो है स्कूल डैशबोर्ड में आप देखेंगे टोटल एनरोलमेंट, टोटल बॉय, टोटल गर्ल्स, टोटल छात्र संख्या कितनी है। ओके साथियों, तो आप अपने स्कूल के रिकॉर्ड से जो है छात्र उपस्थित पंजी से सबसे पहले तो आप चेक कर लें स्कूल डैशबोर्ड में जो छात्रों की संख्या प्रदर्शित हो रही है तो क्या जो है आपके स्कूल रिकॉर्ड से मैच कर रहा है। स्कूल डैशबोर्ड में ऐसा तो नहीं है स्कूल डैशबोर्ड में छात्रों की संख्या अधिक हो या कम हो और आपके रिकॉर्ड में अंतर हो। ओके साथियों, यदि आपके रिकॉर्ड में अंतर है तो निश्चित रूप से स्कूल डैशबोर्ड में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है त्रुटि हुई है। ओके साथियों, चलिए हम देख लेते हैं। साथ यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं स्कूल डैशबोर्ड में, यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पे देखिए क्लास ग्रेड जहाँ दिया गया है क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री। अब यहाँ पे जो है देखिए स्कूल डैशबोर्ड में यहाँ पे क्लास टू दो बार प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं क्लास दो बार जो है प्रदर्शित हो रहा है। ओके साथियों, अब यहाँ पे जो है ये जो एक छात्र संख्या यहाँ पे दिख रहा है इनकम्प्लीटेड, यह छात्र संख्या जो है डबल एंट्री हो गया है, यानी उसी क्लास में जो है इसका जो है छात्र का जो है दो बार नाम जो है एंट्री किया गया है। ओके साथ, यदि ऐसी कंडीशन में किसी छात्र का नाम दो बार एंट्री हो जाता है तो उसे हम कैसे हटाएंगे। ओके साथियों, तो हमारी वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके साथियों, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं लाइक प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे आप सभी को समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। ओके साथियों, तो चलिए देर न करते हुए प्रोसेस शुरू करते हैं। अब यहाँ पे साथियों जो है हम कैसे चेक करेंगे कि किस छात्र का नाम जो है दो बार एंट्री हो गया है। ओके साथियों, तो सबसे पहले जो है आप लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इस ऑप्शन पर क्लिक करें। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्लिक किए साथियों, तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे ऊपर दिया गया है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट 2023-24। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट 2023-24। अब यहाँ पे जो है सबसे ऊपर दाहिने साइड में सर्च बार दिया गया है साथियों, यहाँ पे जो है सर्च बार पे हम यहाँ पे टाइप करेंगे उस छात्र का नाम जो कक्षा दूसरी में जो है डबल एंट्री हो गया है। जैसे यहाँ पे जो है धर्मेंद्र, यहाँ पे हमने जो है धर्मेंद्र टाइप किया। जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है उस छात्र का नाम जो है यहाँ पे दो बार एंट्री किया गया है। ओके साथियों, जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है छात्र का नाम दो बार एंट्री किया गया है। यहाँ पे सबसे ऊपर देख पा रहे हैं आप यहाँ पे जो है धर्मेंद्र और यहाँ पर भी धर्मेंद्र। ओके साथियों, अब यहाँ पर जो है एक छात्र का डेटा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे सबसे ऊपर जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट है और सबसे नीचे वाला दिया है नॉट स्टार्टेड। ओके साथियों, तो इस छात्र को हमें जो है कैसे हटाना है। ओके साथियों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इस पेज पर जब आप स्कूल डैशबोर्ड के पेज पर आते हैं यहाँ पर सर्च बार पर हमने टाइप किया धर्मेंद्र करके, तो यहाँ पर उस छात्र का नाम प्रदर्शित हो रहा है और उसका नाम जो है दो बार जो है एंट्री हो गया है क्लास टू में। ओके साथियों, अब यहाँ पर जो है एक ऑप्शन है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल। ओके साथियों, यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल, इस ऑप्शन पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। ओके साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों, अब यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हुआ। अब यहाँ पे मॉड्यूल फॉर यूजिंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मार्किंग स्टूडेंट इन एक्टिव ड्रॉप आउट 2023-24। अब इस छात्र को जो है हम यहाँ पे जो है स्टूडेंट का पेन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, इसके बाद गो पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जैसे इस छात्र को हम ड्रॉप आउट में डाल देंगे। ओके साथियों, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं गो वाले ऑप्शन पे जो है, जैसे गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे साथियों तो यहाँ पे छात्र का जो है जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे छात्र का डिटेल शो हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे सबसे नीचे दिया गया है मार्क ड्रॉप आउट, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है मार्क ड्रॉप आउट, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। ओके साथियों, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे
यू आर श्योर टू इंटरेट द ड्रॉप आउट प्रोसेस। ओके साथियों, उस छात्र का नाम आ गया है और यहाँ पे क्लास टू सेक्शन बी, इस छात्र का नाम जो है क्लास टू में और सेक्शन बी में जो है इसका नाम जो है एंट्री हो गया था। और इस क्लास में जो है दो सेक्शन बनाया गया था, ए और बी, तो बी सेक्शन में केवल जो छात्र का नाम डबल हो गया था। अब कंफर्म पे हम क्लिक करेंगे। ओके साथियों, कंफर्म हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल विथ ड्रॉप आउट, अब ये जो है स्टूडेंट जो है ड्रॉप आउट में लिफ्ट हो गया है। ओके साथियों, अब यहाँ पे सेलेक्ट रीजन, छात्र का नाम आ गया है, सेलेक्ट रीजन किस कारण से जो है इसका नाम जो है हटाया जा रहा है। ओके साथियों, यहाँ पे जो है कई ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन देख लें। भी देख पा रहे हैं साथियों, स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल विथ ड्रॉप आउट। अब ये जो है ड्रॉप आउट में जो है छात्र को हमने डाल दिया है। अब सेलेक्ट रीजन, उस रीजन में जो है आप कई ऑप्शन है, तो उसमें आप अदर चूज कर लें। इसके बाद सेलेक्ट डेट, कैप्चा कोड हमने फिल कर दिया है। रिमार्क में हमने लिख दिया स्टूडेंट विथ टीसी। ओके साथियों, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है फिर से सबमिट पे क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू ड्रॉप आउट दिस स्टूडेंट। आप श्योर हैं तो कंफर्म कर लें, इस छात्र को आप ड्रॉप आउट में डालना चाहते हैं तो कंफर्म कर लें। ऑल फॉर्मेट नॉट कंप्लीटेड, एट लीस्ट सबमिटेड डिटेल ऑफ ऑल द फॉर्म इनिविटली। अब ये कह रहा है कि फॉर्म इसका कंप्लीट नहीं है, तो चलिए हम देख लेते हैं। फिर से हम डैशबोर्ड पे जाते हैं साथियों। जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने जो है स्कूल डैशबोर्ड के पेज पे ओपन कर लिया है। अब इस छात्र को हम पहले जो है इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। जो छात्र जो है गलती से जो है ऐड हो गया है, तो इसे पहले जो है इसके जो फॉर्मेट है जी पी ई पी, इसे कंप्लीट करना होगा। ओके साथियों, तो चलिए हम प्रोसेस शुरू करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने छात्र का जो है तीनों फॉर्मेट जो है कंप्लीट कर लिया है साथियों। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे इस तरह का मैसेज आएगा, फैकल्टी डाटा शेयर सक्सेसफुली। ओके साथियों, फिर से जो है इसको हम ऑल डाटा कंप्लीट कर लें, कंप्लीट डाटा। ओके साथियों, फिर से जो है कंप्लीट हो गया, यहाँ पे जो है डाटा कंप्लीटेड। अब डैशबोर्ड पे हम फिर से वापस जाते हैं साथियों। अब इसके बाद जो है जिस छात्र को हमने जो है फॉर्मेट कंप्लीट किया है, अब इसे हम कैसे हटाएंगे। ओके साथियों, फिर से उस पेज पर जाते हैं। इस तरह से जो है स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल विथ ड्रॉप बॉक्स आउट में जो है हम इस छात्र को जो है डाल दिया साथियों। अब सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है सेलेक्ट रीजन और मार्क में हमने लिख दिया है स्टूडेंट विथ टीसी, सेलेक्ट डेट और कैप्चा कोड फिल कर दिया। ओके साथियों, सबमिट क्लिक करेंगे। इसके बाद आर यू श्योर यू वॉन्ट टू ड्रॉप आउट दिस स्टूडेंट, श्योर हैं आप तो कंफर्म कर लें। अब यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, स्टूडेंट सक्सेसफुली ड्रॉप आउट। अब ये छात्र जो है ड्रॉप आउट में बाहर हो गया, यानी स्कूल से बाहर हो गया। ओके साथियों, तो ये रहा जो है आज का बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो फिर मिलेंगे नई जानकारी के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, थैंक यू।